जो मैंने आपको आए फिर ले जा रहे थे ला रहे थे उनसे 1000 मांगे थे तो मेरे पास नहीं थे तो मैंने 600 रुपये दिए मैंने मेरे पास हाँ 2000 मांगे थे क्या क्यों मैंने 1000 रुपये नहीं अभी रिटर्न 500 मांग रहे और 500 पैसा और मांग रही मौसी अलग मांग रही है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, आप देख रहे हैं सच की आवाज़ न्यूज। आज हमारे स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष रेहाना अंसारी का आगमन हुआ। विशेष तौर पर उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी रुग्णालय में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए आज जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए आए। मैडम, सच की आवाज़ न्यूज में आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप हमारे स्टूडियो में, और क्या मतलब जानकारी है आपके पास? जिस तरह से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में जो है भ्रष्टाचार चल रहा है, वहाँ पर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस नई ऑफिस की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और ऐसा उम्मीद रखती हूँ कि आप हमारे जो मुद्दे हैं जो जनता के हित के लिए है और उसको आप उजागर करोगे और हमारी सरकार तक ये बातें पहुँचाओगे, ऐसे मैं उम्मीद रखती हूँ। जरूर, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं आज इस मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जिस तरीके से भिवंडी में बहुत सालों से कई सालों से सुन रही हूँ कि इंदिरा गांधी में बहुत राजनीतिक चल रही थी, राजनीतिक बातें चल रही थी, बहुत अच्छा है, ये कर दिए वो कर दिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब बोलने की बात है। आज मुझे सुबह सुबह फ़ोन आया एक लेडीज़ का कि मैडम जो है मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे कुछ पैसे ला के देते तो, क्योंकि मेरी बच्ची इंदिरा गांधी में एडमिट है और उसको पैसा लग रहा है, तो बोले कि कितना पैसा लगा, तो उन्होंने कहा मुझे 1000 रुपया लग रहा है, लेकिन मैंने उनको 500 देने की बात की है। तो मैंने कहा ठीक है, आप किसी से लेके दे दीजिए, क्योंकि मैं उस वक्त मापोली में थी, ज़रा काम से गई थी। तो आने के बाद उन्होंने जब मैं वहाँ से उन्होंने क्या किया, बाजू किसी से पैसा लेके उन्होंने पैसे दे के काम अपना कर लिया। उसके बाद मुझे नहीं मालूम था कि डिलीवरी के पेशेंट की थी। तो फिर मैं आई कुछ घंटों के बाद जब मैं आई तो मैंने जब पूछा कि आप किस लिए पैसा मांगे थे, बोले मेरी बच्ची की डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी होने के बाद लेबर रूम से बाहर नहीं निकाले थे, बोल रहे थे 1000 रुपये दोगे तो ही निकालेंगे, इसलिए मैं आप। अच्छा, ये कौन बोल रहे, डॉक्टर बोल रहे थे या नर्सेज बोल रही थी? नर्सें और वहाँ की जो मौसी होती है, और उसका नाम बताया कि उसका नाम है स्वाति, स्वाति सिस्टर, ये नाम बताया। तो फिर मैंने कहा कि तुमने पैसा कैसे दिए, यहाँ कोई हॉस्पिटल में कोई फीस थोड़ी लगती है, आपने पैसा का रिश्वत देना भी रिश्वत लेना भी दोनों भी जुर्म है, आपने क्यों दिया? तो बोले मैं दे नहीं रही थी, मुझसे ज़बरदस्ती की गई, बच्ची को मेरे बाहर नहीं निकाल रहे थे इसलिए मैंने दिया। बोले ठीक है। उनको जब मैं चिल्लाने लगी तो वहाँ पे जितने लोग बैठे थे, जितने बेड पे लोग थे पेशेंट, वो सब मेरे करीब आए और मुझे कहने लगे मैडम मेरे से 1000 रुपये लिया, किसी ने कहा मुझसे 1200 लिया, किसी ने कहा मुझसे 600 लिया। मैंने ठीक है, आप लोग अपने अपने बेड पे जाइए, मैं आप लोगों के पास आके मैं ये बातें सब रिकॉर्ड करूँगी ताकि मुझे कोई ये ना कहे कि ये राजनीति करने आए हैं। फिर मैं उनके एक एक पर्सनल एक एक बेड पे गई, उनसे सब सारी बातें कि आप वो बातें रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आप कुछ सोचेंगे कि इस तरीके के उन लोगों ने ज्यादती की है महिलाओं के साथ। अच्छा, मतलब ये जो सारा मुद्दा था आपने कैमरे में कैच किया? जी जी, मैंने एक एक पेशेंट का छोटा छोटा क्लिप जो होता है वो मैंने कैद किया ताकि मैं ये बता सकूँ कि किस तरीके का करप्शन यहाँ पे भिवंडी इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में चल रहा है। फिर मैंने एक पेशेंट ने तो इतना एक नर्स ने तो इतनी हाथ पार कर दी कि डिलीवरी होने के बाद बच्चे की नाल काटने के बाद जो प्लासेंटा बाहर आना चाहिए तो वो बोलते मैं अभी नहीं निकालूंगी जब तक तुम मुझे पैसा नहीं देंगे, रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं। मतलब ये बातें भी रिकॉर्ड हुई है। अच्छा। आप देख सकते हैं। तो इस तरीके का करप्शन हो रहा है। भिवंडी गरीबों का मजदूरों का शहर है, बहुत गरीबी है, एक तो लोग कोरोना की महामारी के वजह से लोग परेशान हैं और उसमें 1000, 1200, 2000 ये नर्सेस मांगती हैं, क्या इनको पगार नहीं मिलती है? ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा करप्शन हो रहा है। मैं तो ऐसी सरकार से और वहाँ भी इतने जिम्मेदार हैं, जैसे कि आपने कहा कि करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए स्वर्ग इंदिरा गांधी अस्पताल चुनाव में एक राजनीतिक, क्या हम कह सकते हैं कि चूल्हा बन जाती है, लोग उस पर आकर अपनी रोटियां भी सेकना शुरू कर देते हैं। और हाल ही में ये चल भी रहा है कि बहुत से लोगों को, आज भिवंडी शहर के लोगों को जो है सपना दिखाया जा रहा है कि स्वर्ग इंदिरा गांधी अस्पताल को एक बड़े अस्पताल के रूप में तब्दील करेंगे, उसको मतलब उसका एक नकाशा देंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। और ये जिस तरह से आपने एक भ्रष्टाचार उजागर किया है, तो कहीं ना कहीं आप क्या कह सकते हैं कि जिस तरह से बड़े नेताओं ने, भिवंडी शहर के बहुत से ऐसे नेता हैं जो राजनीतिक करके स्वर्ग इंदिरा गांधी अस्पताल को स्वच्छ और सुंदर बनाने की पूरी से जद्दोजहद लगा दी, लेकिन
ये भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पर भी पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लगता है उन्होंने मेहनत किया है या फिर वो जुमलेबाजी थी? सर मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ, तकरीबन मैं 2001 से मैं इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में हमेशा मेरा दौरा रहा है। कई मरतबा मैंने वहाँ पे इसी तरह का जैसे आज मैंने वीडियो बनाया, पहले उस वक्त इतने बड़े फैसिलिटीज़ नहीं थी जो मैं पेपर से लिख कर और मैं करके मैं कई नर्सें भी उस पर सस्पेंड हो चुकी है। और जो 2001 से और आज तक हॉस्पिटल में कोई भी बदलाव नहीं आया है, ना सफाई है। आप हॉस्पिटल में अभी इस वक्त आप चल के मेरे साथ देखिए, एक बेड पे तीन तीन पेशेंट, डिलीवरी पेशेंट, और कहते हैं कोरोना में दूर रहो, क्या दूर रहो, वहाँ पे आप जाके देखो, एक एक बेड पे, एक बेड पे दो दो बच्चे, दो 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 तीन तीन है एक पे, एक बेड पे। मैंने आप चल के सर्वे का आप कोई मैडम जिस तरह से आपने कहा कि एक बेड पे तीन तीन पेशेंट वहाँ पर जो है अपना मतलब कह सकते हैं कि अपना इलाज करवा रहे हैं, इस मुद्दे को आपने क्या जो हॉस्पिटल के MD हैं उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है? आप भी देखा जाए तो शहर की जिम्मेदार है। अभी आज तो संडे है, मैं आज ही सब किया है और आपसे मैं आप सारी बातें बता रही हूँ। कल मंडे है, कल मैं जाके डॉक्टर के जो बड़े अधिकारी उनसे बात करूँगी, उनको बताऊँगी। और मैं और पहले भी बोल चुकी थी, उन्होंने मुझे ही कहा था कि अगर कभी अब कभी ऐसा होगा आप डायरेक्ट मेरे पास आइए, तो मैं ये मुद्दे को लेकर कल उनके पास बैठ के बात करने मतलब ये जो सारी जो भी ये जो आपने बताया भ्रष्टाचार हुआ इसको अभी आपने DM तक की मतलब जो नहीं आज संडे है वो छुट्टी पे है ना, आज ही की बात है ना, आज संडे है। अच्छा उन तक की बात अभी उन तक की बात मैंने नहीं डाला है, मैंने पहले आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को पब्लिक को आवाम को बताना चाहती हूँ कि इस तरीके का करप्शन हो रहा है और हमें इसकी लड़ाई लड़ना है। और जो कहते हैं कि सफाई सफाई बिल्कुल नहीं है, आप चल के देखिए बाथरूम इतना गंदा है, बेसिन नहीं है अच्छा, वहाँ पानी की सुविधा अच्छी नहीं है, पानी आप पी नहीं सकते, पेशेंट को कैसे पानी दिया जाता है वो आप समझ सकते हैं, कैसा खाना पानी होना चाहिए, और गंदगी तो बेमिसाल है। लेबर रूम में आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू आ रही है, आप तो जेंट्स हो आप नहीं जा सकते, लेकिन हम लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ नाक में कपड़ा लगा के हमें खड़ा रहना पड़ रहा है, इतनी गंदगी है। तो क्या कहेंगे मैडम इस तरह का एक जो पैसे की लेन देन दोबारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में देखने को मिल रही है, तो इस तरह के भ्रष्टाचार के ऊपर आपकी मांगनी क्या है? देखा जाए सस्पेंड एक बात अलग हो जाती है, लेकिन ये जो है फिर 15 दिन, महीना, दो महीना, साल, दो साल के लिए रुक जाता है, उसके बाद फिर से जो वहाँ पर मरीज आते हैं उनसे फिर से पैसे मांगे जाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाए इसको इसके ऊपर पूरी जो रोक स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल के जो मुख्य मतलब अधिकारी हैं उनको लगाना चाहिए या आरोग्य डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको लगाना चाहिए, लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि दोबारा वही गलती होती है, इस पर क्या कहेंगे? जी आप सही कह रहे हैं, कल जो है तो हमारा एक डेलीगेशन जाएगा, इस सब वीडियोस लेके मैं जाऊंगी और उनसे वैसी मांग करूंगी कि 18 सितंबर और 19 सितंबर में जितना भी स्टाफ रात में काम किया है, दिन में जो 12 बजे तक का मेरा वहाँ पे 2 बजे तक का मेरा वहाँ पे एंट्री था, तो रात 18 तारीख के शाम में 9 से लेकर और दोपहर 19 की दोपहर में 2 बजे तक के जितने भी मौसी और सिस्टर काम पे थी सबको सस्पेंड नहीं, उनको निलंबित होना चाहिए, और जब तक ये निलंबित नहीं होंगे हमारी कार्रवाई और हम नहीं चुप बैठने वाले नहीं हैं। और आपके माध्यम से मैं चाहती हूँ कि आप हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएं ताकि जो हमारी जनता परेशान है, जो जनता की जेब से नोज घसीट के पैसा लिया जा रहा है वो ना ले। आप किसी भी से भी आप जाके पूछ सकते हैं वहाँ पे कितनों ने ब्याज पे पैसा ला के दिए हैं, क्या ये सही है? देखा जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर पैसा किस बात का लिया जा रहा है? ये सब करप्शन हो रहा है, नीचे से ऊपर तक नागरिकों को भी वहाँ थोड़ा विरोध करना चाहिए था। आप जो है वहाँ पैसा उनको तो इतनी जानकारी है ही है कि सरकारी अस्पताल है, तो उनको वहाँ पर क्या नागरिक कोई विरोध नहीं करने के लिए खड़ा, क्या जोर जबरदस्ती किया जा रहा था अस्पताल में? आप क्लिप में देख लीजिए, क्लिप में साफ पेशेंट कह रहे हैं मुझसे जबरदस्ती की गई और यहाँ तक कि डॉक्टर के नाम से पैसा मांगा गया, वो भी क्लिप में आप देख लीजिए। तो ये थे कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष भिवंडी शहर की, जिन्होंने विशेष तौर पर स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में 18 और 19 तारीख यानी कि सितंबर के दिन जो अस्पताल के अंदर भ्रष्टाचार चला उसे उजागर करने की कोशिश की। बात की जाए तो देखा जाए तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में ये जो सिलसिला है ये कोई नया नहीं है, इसके पहले भी कई बार हो चुके हैं और कार्रवाई तो किए जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा वही गलतियाँ जो है शासन प्रशासन के जो नर्स हैं जो डॉक्टर हैं उनके माध्यम से किया जाता है। अब देखना यह है कि रियाना अंसारी ने जिस तरह से मांग की है कि जो इसके पीछे दोषी हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी
कार्रवाई होना चाहिए। कल वो जो है अस्पताल के जो मुख्य आरोग्य अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे। अभी देखना है कि जो आरोग्य अधिकारी हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल जो है भिवंडी शहर में जो एक राजनीति जो है चूल्हा बन चुका है, उसको जो है तरह तरह की बातें करके, कहीं विकास की बातें करके, कहीं पर जो है अस्पताल में डॉक्टर की बढ़ोतरी की बातों को लेकर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अभी भी जो है अस्पताल में काफ़ी खस्ता हालात है। तो ये थे कांग्रेस पार्टी की भिवंडी शहर महिला अध्यक्ष रेहाना अंसारी, जिन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल के हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर किया। भ्रष्टाचार हम आपको बता दें कि जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में, जो कि सरकारी अस्पताल है, उस अस्पताल में जो है मरीजों से पैसे लिए जा रहे हैं, 1000, 1200, 500 ऐसे वीडियो जो है, ऐसे क्लिप जो है हम आपको जरूर दिखाएंगे, जिसमें स्वतः वहाँ के जो परिजन हैं, जिनके पेशेंट वहाँ पर एडमिट हैं, वो कैमरे के माध्यम से वो सारी चीज़ें की जानकारी दे रहे हैं। आपको बता दें कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल जो है भिवंडी शहर का एक ऐसा चूल्हा है जिस पर सभी नेतागण अपनी रोटियाँ सेकते हैं विकास के नाम पर, लेकिन बात की जाए तो विकास उसी तरह पड़ा हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो रेहाना अंसारी ने स्वतः अपने वक्तव्य में कहा कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में जो है गंदगी का अंबार लगा हुआ है, मरीज जो है अभी भी एक ही बेड पे तीन तीन मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं। तो किस हद तक कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में, जिस तरह से कहा जाता था कि 200 बेड लाकर जो है स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल को एक सिविल का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अस्पताल जो है सिविल के दर्जे पर तो नहीं गई, लेकिन यहाँ के मरीज जो हैं बेफजूल सिविल अस्पताल भेजे जाते हैं, क्योंकि इलाज यहाँ पर भी हो सकता है लेकिन यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के नर्स को काम नहीं करना रहता है, जिसके कारण उन्हें सिविल अस्पताल भेजा जाता है, यानी कि भिवंडी से 17 किलोमीटर की दूरी पर। आपको बता दें कि एक महिला ने स्वतः अपने वक्तव्य में कहा भी है कि उनका जो मरीज है, वो जो पेशेंट है, वो बाकायदा वहाँ पर जच्चा और बच्चा दोनों मतलब सही सलामत स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में उनका इलाज हुआ, लेकिन उनको ही जो है सिविल अस्पताल भेजा जा रहा था। उनको ये कहा गया था कि वो काफ़ी सीरियस हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल में वो बाकायदा नॉर्मल तरीके से माँ और बच्चे दोनों सही सलामत उनका इलाज भी हुआ, लेकिन स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल से जो सिविल के लिए रेफर किया जाता है, कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा होता है, क्या स्वर्गीय इंदिरा गांधी अस्पताल अभी भी इलाज को लेकर सक्षम नहीं है। चलिए हम आपको वो दृश्य दर्शाते हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष रेहाना अंसारी ने उन मरीजों के परिजनों से और मरीजों से जो वहाँ पर पैसे दिए उनका पूरा बाकायदा वीडियो क्लिप बनाया, और उस क्लिप में किस तरह से 1500, 1200 जो लेन देन हुए हैं नर्स के और जो डॉक्टरों के बीच में, वो पूरा क्लिप जो है हम आपको दर्शा रहे हैं, आप देखिए। कितना पैसा दिए? 500। क्या नाम है पेशेंट का तुम्हारे? मैंने 1000 रुपये दी, अभी रिटर्न 500 मांग रहे हैं, और 500 पैसा और मांग रही है, मौसी अलग मांग रही है। उनसे 1000 मांगे थे तो मेरे पास नहीं थे, तो मैंने 600 रुपये दिए, मेरे पास नहीं है, तभी उसको उधर ले के देने को गए, तब भी नहीं दिए उसने। क्या नहीं दिए? बच्चे ने दिए? 1000 रुपये दे, मैंने 600 रुपये दिए, नहीं है मेरे पास, तो फिर बाद में लेके गई। हाँ 2000 मांगे थे, जो किसी में ज्यादा तो 1000 रुपये दे दिए, ना रहा पैसा तो दिए तुमने 1500 दिए। क्या तो हमारे पास 200 रुपये, तो 200 रुपये दे देते तो नहीं दे देते, तो और 300 में डालने 500 रुपये। खुद दाई से बात किए, रोए, हाथ मारे हैं, भाजी छुई दा कर ताकत ना रही, तीन दिन साल की लड़की कहा देना प्रेशर हो, नहीं तो पैसा कमा, जब पैसा बतियावा तो मुस्कान नहीं आते थे, इनको अच्छी बात करते थे, तो आए ना तो हाथ लगाए, तीसरे दिन बच्चा पैदा किए, मगर लापरवाही बहुत ज़्यादा करते हैं, ऐसा मगर ना करें चाहिए, लापरवाही बहुत ज़्यादा अलग खाली 1000 रुपये। तो कितना दिया पैसा? 1000 रुपये। क्या कभी डिलीवरी हुई? सुबह में। कौन से सिस्टर थे? स्वाति मैडम। हाँ 5 बजे हमारी छुट्टी हो रही है, नहीं है ना 5 बजे। चलो हम लोग, पैसा तुमने मांगे तो तुमने ताबड़तोड़ दे दिए कि तुम बोले पैसा क्यों दिए, जबरदस्ती मांगे थे या तुमने खुशी से दिए? नहीं नहीं जबरदस्ती मांगे, जबरदस्ती मांगे। बोले भी देखो काम धंधा है नहीं, तो बोले कि नहीं नहीं 1000 रुपये चाहिए, तो फिर बहुत बोली मैं, तो 500 मैंने उसको दिया। पैसा लिए तुमसे? 1000। तुम बोले नहीं कि पैसा सरकारी में नहीं लगता है? बोली थी। हाँ तो कौन कहता है नहीं लगता? अच्छा तो जबरदस्ती मेरी अरे बहन से लिए, बोले जा पैसा लेके आ, तभी मैं उनका वो करेंगे हाथ, मेरे वो जो अंदर को जो थी बच्चा हो गया था, खेड़ी नहीं उतरी, खेड़ी नहीं निकाली। क्या बोली? बोली पैसा लेके आ,
अच्छा, जब खेड़ी निकालेंगे? हाँ। अरे बाप, तब वो खेड़ी निकालेंगे। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या है? तमन्ना। हाँ, तमन्ना। तमन्ना बोलते हैं, डॉक्टर को भी देने का है पैसा दो कर। कौन से डॉक्टर को देने का है? वो है, ये घटी रह गया अभी बाहर। अच्छा, दरअसल इंजेक्शन भी हमने ला के दिया बाहर से, उसको इतना वो हो रहा था, तकलीफ नहीं देती।